अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये निसान पाथफाइंडर है, इसके दो बम्पर पेंट करने हैं और इसमें बम्पर आ चुका है, ये पैकिंग किया हुआ है, देखें जो नया आता है वो इस तरह से आता है। और एक बम्पर का मैंने जो पैकिंग है वो ओपन कर दिया हुआ है, इसका पैकिंग इसमें छापर में था वो ओपन कर दिया हुआ है। अभी इनको हम लोग सिल्वर पेंट करेंगे और सिल्वर पेंट करने के बाद ये गाड़ी को फिक्सिंग कर देंगे, तो गाड़ी रेडी हो जाएगी। और इसका थोड़ा डिग्गी भी लगा हुआ है, जो बैक डिग्गी है उसमें थोड़े डेंट हैं, पहले वो डेंट निकालेंगे और उसके बाद उसको बॉडी फिलर से फुल करेंगे, उसके बाद उसको पेंट लगाएंगे और गाड़ी रेडी हो जाएगी। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक, एंजॉय कीजिए वीडियो। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आ रहा हूँ और ऐसी ही गाड़ियों की वीडियो आप लोगों के लिए। तो अभी जल्दी से ये जो बम्पर हैं इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे, बम्पर खोलने के बाद इसको फर्स्ट हम सैंडिंग करेंगे 600 नंबर का जो पेपर है उससे, और उसके बाद इसको प्लास्टिक प्राइमर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्लास्टिक प्राइमर नहीं लगाएंगे तो वो पेंट जो है, गाड़ी जब सर्विस में जाएगी तो पेंट निकल जाता है। पहले इसको प्लास्टिक प्राइमर लगाएंगे और उसके बाद इसको सिल्वर जो पेंट है इसका वो लगाएंगे और उसके बाद क्लियर कोट लगाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक, देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे तैयार करते हैं। ये है इसका डिग्गी, ये निसान एक्सट्रेल का मॉडल है, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा इसका लोगो एक्सट्रेल का। और डिग्गी पे एक डेंट इधर था और ऑल्सो एक इधर था, वो भी हम लोगों ने रिमूव कर दिया हुआ है। और ऑल्सो इसके जो इधर पेंट है वो फेड है, धूप से जला हुआ है, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो इधर ये पेंट पूरा जला हुआ है। तो ये वाले जो बम्पर हैं ये तो नए आ चुके हैं ऑलरेडी, इनको अभी हम लोग प्लास्टिक का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पहले वो क्लियर करेंगे। जैसा कि ये देखें, इधर जो प्लास्टिक है वो थोड़ा क्लियर करना होता है, ये क्लियर नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो क्लियर करने के बाद इंशाल्लाह इसको हम सैंडिंग करेंगे और सैंडिंग के बाद इसको वापस पेंटिंग करेंगे। तो देखें यहाँ पे भी थोड़ा प्लास्टिक ओवर है, वो हम लोग रिमूव करेंगे। और बाकी गाड़ी ये वाला मॉडल है, ये गाड़ी है बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, एक गाड़ी का जो ओवरव्यू है कुछ इस तरह से नज़र आएगा हम लोगों को, देखें बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। और जो उसके पुराने बम्पर थे उनके ऊपर वो जो बॉडी फिलर है बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, ये देखें इस तरह से जो पेंट है उसका निकल रहा है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो बॉडी फिलर लगाया हुआ है माजून बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको हम लोगों ने रेकमेंड किया कि इसको बम्पर दोनों चेंज कर दो गाड़ी के। तो अभी बम्पर आ गए हुए हैं, उधर पड़े हुए हैं, और बाकी आगे का बम्पर, आगे का गाड़ी का लुक है हम लोगों को इस तरह से नज़र आएगा। और ऑल्सो इधर भी ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, इधर से भी ये कोना लगा हुआ है, और देखें माजून जो है वो किस तरीके से बॉडी फिलर लगाया हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा लगाया हुआ है। और जो बम्पर है हमारा उसमें इस ये फ्रंट वाला बम्पर, इसके अंदर बहुत ये प्लास्टिक जो ओवर है, तो इसको हम लोग रिमूव करेंगे। देखें ये इस तरह से ये पूरा ये प्लास्टिक नज़र आ रहा है, ये काटना पड़ेगा, ये ओवर प्लास्टिक आया इसका। तो गाइस मैंने बम्पर सैंडिंग कर लिए हुए हैं, और अब देखें यहाँ पे जो सैंडिंग के निशान है वो कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। तो इसको मैंने जो 600 का पुराना वाला पेपर है उससे सैंडिंग किया, 600 का जो ओल्ड पेपर है उससे सैंडिंग किया इसका, और अभी देखें ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो अभी इसको हम लोग फर्स्ट प्लास्टिक प्राइमर लगाने वाले हैं, प्लास्टिक प्राइमर लगाएंगे ताकि जो पेंट है उसकी पकड़ और भी स्ट्रांग हो जाए, बहुत मजबूत होता है। और इस बम्पर को मैंने प्लास्टिक प्राइमर लगा लिया हुआ है, तो उसको लगाने वाला हूँ। और कुछ एरिया इसमें है कि हम लोग ब्लैक ही छोड़ेंगे, ये बम्पर नीचे की साइड में जाएगा जो गाड़ी की बैक साइड में वो ब्लैक रहेगा, और इसी तरह जो इसका फ्रंट बम्पर है इसमें भी नीचे एक पट्टी ब्लैक रहेगा हमारा, और बाकी पूरा बम्पर जो फुल बम्पर है वो सिल्वर रहेगा। तो फाइनली अभी इसको हम लोग सिल्वर पेंट लगाते हैं और देखते हैं
कोई जो इसका लुक है वो कैसा आएगा। तो फर्स्ट स्टेप था हम लोगों ने बम्पर ओपन किए, नेक्स्ट जो स्टेप था इसका मैंने 600 के पेपर से सैंडिंग किया इसका, और उसके बाद स्टेप आया यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये वाला एरिया पैक किया क्योंकि ये थोड़ा ब्लैक रहेगा। और अभी इसको हम लोग प्लास्टिक प्राइमर लगाएंगे, इस एक को तो लग चुका है और उसको लगाने वाला बाकी है अभी भी। तो अभी ये वाला स्टेप चल रहा है इसका प्लास्टिक प्राइमर का, और जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है इसके ऊपर डायरेक्ट हम लोग सिल्वर कलर लगाने वाले हैं। तो जब सिल्वर कलर लगाएंगे इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा और आप लोग देखेंगे कि ये कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। फिलहाल तो ये ब्लैक नज़र आ रहे हैं बम्पर, तो चलिए देखते हैं अभी इसको जल्दी से सिल्वर कलर लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये कैसा रिजल्ट आएगा। क्यूट लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो अभी देखिए ये सिल्वर हो चुके हैं पूरी इस तरफ से कलर है, और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये सिल्वर कलर आप लोगों को कैसा लगा। और इसी तरह जो बैक बम्पर है वो भी मैंने तैयार कर लिया और देखें बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। तो अभी इसको हम लोग क्लियर कोट लगाएंगे और इसमें शाइनिंग आ जाएगी। क्लियर कोट मैंने बना लिया है तो अभी फाइनली इसको लगाएंगे और लगाने के बाद देख कि जो इसका रिजल्ट है वो कैसा आता है और बाद में चमक दम एकदम बराबर होने वाला है। बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक, देखते हैं आगे जाके जब क्लियर कोट इसको लगा दें। एकदम चकास हो चुका है और बम्पर बिल्कुल नए हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे भी क्लियर कोट लगाने के बाद जो इसका चमक है वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं भी इसका इसी गाड़ी का सेम का जो बैक डिगी है वो बनाने वाला हूँ, उसको बनाएंगे और उसके बाद देखते हैं जब ये फिक्सिंग करेंगे तो फिक्सिंग हो जाएगी तो गाड़ी के ऊपर लग जाएंगे तो कैसे लगेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक, एंजॉय कीजिए वीडियो। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो निशान एक्सेल की डिग्गी है वो फाइनली पेंट हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है। और यहाँ पे जो डेंट था वो भी हम लोगों ने निकाल दिया और उसको इधर भी एक डेंट था वो भी निकाला और उसके बाद फाइनली पेंट किया। और पेंटिंग के बाद आप देख सकते हैं अभी बहुत अच्छा लग रहा है। बम्पर ऑल्सो मैंने इसके जो पेंट कर दिए हुए हैं और अभी वो ड्राई भी हो चुके हैं। तो फ्रंट वाला बम्पर फिक्स हो चुका है और बैक बम्पर जो अभी इसका अभी फिक्स बाकी है तो वो फिक्स करेंगे और उसके बाद गाड़ी एकदम रेडी हो जाएगी। तो देखते हैं बम्पर फिटिंग के बाद जो इसका रिजल्ट है फाइनल कैसा आता है फिटिंग करने के। और डिग्गी आप देखते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।